वडोदरा शहर में आज ईद मिलादुन नबी पर्व को मनाने के तहत मिस्किन एजुकेशन वकफ कमेटी द्वारा विधवा महिलाओं के बीच साधन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस्लाम धर्म के महान स्थापक वैसे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पर्व को मनाने के भागरूप आज मिस्किन एजुकेशन वकफ कमेटी द्वारा वडोदरा के फतेहपुरा स्थित आए हुए मदरसा बिल्डिंग पर धार्मिक तथा सामाजिक सेवा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसे अहमद मुस्तफा रावत शेरी फतेहपुरा द्वारा आज ईद मिलादुन नबी पर्व को मनाने के तहत 200 जितनी विधवा महिलाओं के बीच राशन किट का वितरण किया गया था। इस मौके पर दंडे बाजार स्थित खान काय मौलाना सहित कई महानुभव उपस्थित रहते हुए आज धार्मिक पर्व को समाज सेवा के साथ मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं और आज यहां मिस्किन एजुकेशन वक्फ कमेटी के द्वारा जो मदरसा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम चल रहा है उसके इस फंक्शन में आने का पहली बार मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी खुशी हुई कि इस मुबारक दिन और इस मुबारक महीने में मदरसा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के ज़रिए जो नेक काम यहाँ हो रहे हैं, जैसे आज ये लोगों ने विधवा औरतों के लिए किट बांटी जो करीब करीब 6 से 7 महीने चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही नेक काम है और अल्लाह ताला इन तमाम जितने भी मेम्बरान इसमें शामिल है तब सभी को जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये जो नेक काम यहाँ चल रहे हैं, जैसे ये किट बांटना है, फिर क्लिनिक चला रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं और यहाँ बच्चों को कुरान हिफ्ज़ हो रहा है, ये सब काम के ज़रिए लोगों तक अपने इस्लाम का सही मैसेज पहुँचे, क्योंकि इस्लाम जो बताता है वो यही है कि भाई हमें अमन सुकून चैन और ईमान के साथ रहना है और तमाम लोगों की मदद करनी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, तमाम लोगों की मदद करनी है। और मैं देखा कि आज ये वही कर रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जितनी भी औरतें थीं वो तमाम अलग अलग मजाहिब से अब ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम को इन्होंने किट दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है और इसके लिए मैं इन तमाम मेम्बरान को मुबारकबादी देता हूँ और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत अता करे और आगे भी क़यामत के दिन तक ये काम जारी और सारी रहे और इन्हें लोगों का ताउन मिलता रहे। और इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोग बुलाएंगे तो ज़रूर आना होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह खैर, सलाम अलैकुम।